क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 60,000 से भी ज्यादा लोग सांपों के काटने की वजह से मारे जाते हैं। इसलिए आज हमारे स्नेक एक्सपर्ट राजेश जाट जी ये बताने वाले हैं कि सांप से सामना होने पर क्या करें और क्या नहीं। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सांप आखिर हमारे घर आते क्यों हैं। तो इनके मेन दो रीजन होते हैं, एक होता है वेदर, मौसम की वजह से, और दूसरा होता है खाना। तो मौसम में ये होता है कि इंसान का जो घर है ना वेदर प्रूफ होता है, तो ये हर तरीके से टेम्परेचर से अपने को बचा के रखता है। तो सांप जो है उनके पास ऐसी जगह नहीं होती है, तो वो कोल्ड ब्लडेड हैं, तो उनको घूमना पड़ता है, वो अपने जैसे हर टेम्परेचर में मेंटेन नहीं रह सकते। दूसरा होता है खाना, जो कि चूहे जो है वो इंसानों के आसपास ही रहते हैं, चूहे और छोटे मेंढक हो गए, तो उनके पीछे भी ये हमारे घरों में घुस जाते हैं। तो अब जब सांप हमारे घर के अंदर आ गया है, ऐसे में क्या किया जाए और क्या नहीं? सबसे पहली जो चीज है वो है शांत रहना। जब आप शांत रहते हैं तो आप डिसीजन अच्छा ले पाते हैं। लोग घबराहट में कुछ तो भी कर बैठते हैं और वहीं से चीजें ज्यादा बिगड़ जाती है। दूसरा, सांप को भी डराना नहीं है, जितना आप डरते हो उससे कहीं ज्यादा वो सांप आपसे डरता है। तीसरी चीज, आपको बहुत स्लोली पीछे हटना है, धीरे धीरे पीछे हटना, अचानक से जंप नहीं करना है, अचानक से कूद के नहीं भागना है। अगर वो सांप डर गया तो आप उससे तेज नहीं हो, आपको डायरेक्टली बाइट कर लेगा। और आप एक चीज कर सकते हैं, आजकल डिजिटल जमाना, लोग फोटो खींच लेते हैं, तो आप एक फोटो ले लीजिए ताकि कोई भी आपको बता देगा कि सांप कौन सा रेस्क्यूर वगैरह, कोई भी बता सकता है। और आजकल तो काफ़ी सारे फेसबुक पे ग्रुप भी हैं, तो आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तीसरा, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या तो कोई भी स्नेक रेस्क्यू को कॉल करना है जो आके उसे रेस्क्यू करे, आपको खुद से नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं जानते वो सांप जहरीला है या नहीं है। लोग अक्सर धुआं लगा देते हैं, आग जला देते हैं, या तो फिर डंडे से उसको उचका के भगाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली आग और धुएं से तो कुछ नहीं होने वाला है, तंत्र मंत्र से भी कुछ काम नहीं होता है। अब आप एक चीज ये कर सकते हैं कि मान लीजिए रेस्क्यूर भी नहीं आ रहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं है, तो आप जैसे कि वो घर पे सफाई करने का एक वाइपर होता है, ये सबसे बढ़िया चीज है, उसको थोड़ा सा धक्का करिए, सांप जो है वो आपको काट सकता है और ये खतरा बना रह सकता है, तो हम इसके लिए आपको मना कर रहे हैं। डेफिनेटली आप किसी को बुलाइए और रेस्क्यू करवाइए। यूं तो सांप शांत प्रवृत्ति के जीव होते हैं, लेकिन अगर घबराहट में आकर कोई सांप आपको डस ले तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहला है घबराना नहीं है। दूसरा है, आपको सांप को मारने या उसको दूर भगाने की कोशिश फिर नहीं करना है। अगर आपको सांप ने काट लिया तो उसको मारने बिल्कुल भी मत जाइए। तीसरा है, घाव पे कट नहीं लगाना है, घाव को धोना नहीं है, घाव में से खून चूसने की कोशिश नहीं करना है। चौथा है, झाड़ फूक वगैरह में नहीं रहना है। कोई भी तंत्र मंत्र वाले बाबा या कोई मंदिर का ओटला ऐसा हो, कुछ भी हो जो जिसमें ट्रेडिशनल चीज़ें होती है, तो वो नहीं करना है। अब घबराना क्यों नहीं है? घबराने से होता यही कि दिल की धड़कन जो वो थोड़ी तेज हो जाती है, और उस वजह से जहर जो है काफ़ी तेज़ी से आपके शरीर में फैलता है। तो जितना आप शांत रहोगे उतना आपको समय ज़्यादा मिलेगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि स्नेक बाइट के बाद कितना समय मिलता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने शांत रहते हैं या कितना घबराते हैं। जो इंसान घबराता है उसके पास समय कम होता है, और जो शांत रहता है और थोड़ा साहस रख के अस्पताल की तरफ जाता है वो बच जाते हैं। स्नेक की बाइट होती है तो सबसे पहले आपको धीरे से वहाँ से पीछे हटना है, उसको मारना नहीं है, पीछे हट गए। इसके बाद आपको जल्दी से जो भी आपके हाथ में रिंग है, आपने बेल्ट पहना है, आपने घड़ी पहनी है, इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। लोग अक्सर बताते हैं कि बंद बांधना है, मतलब रस्सी बांध लो या कुछ भी बांध लो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई लंबा दुपट्टा या रुमाल हो कोई लंबा, उसको बांधे। और इसका जो बांधने का तरीका होता है वही मेन चीज़ होती है, एकदम फिट कस के नहीं बांधना है। इसमें इस तरीके से बांधो कि एक उंगली अपनी चले जाए, मतलब अपने को खून की गति को धीमा करना है, उसे रोकना नहीं है। अगर आप रोक दोगे तो भी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। और सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल लाइक सरकारी अस्पताल आप जा सकते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ही एंटीडोट अवेलेबल रहता है। प्राइवेट में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पहले पूछ लेना चाहिए फ़ोन करके कि एंटीडोट अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम हर हॉस्पिटल में घूमते नहीं रह सकते। भारत में मुख्य तरीके से जो चार सांप हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों के आसपास पाए जाते हैं और वो जहरीले भी हैं, तो इन चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है कोबरा, जिसे हिंदी में नाग बोला जाता है, या नाग या नागिन बोलते हैं। दूसरा है रसल वाइपर, जिसको कि हिंदी में दीवड़ बोला जाता है। और तीसरा है सोस्केल्ड वाइपर, जिसे छोटी दीवड़ भी बोला जाता है। और चौथा है करेत, करेत को नॉर्मली जगह पे करेत या करेटा ऐसे ऐसे नाम से जाना जाता है। ये सांप कैसे दिखते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनको। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बिग फोर स्नेक ऑफ इंडिया, जो भारत में सबसे ज़्यादा जानलेवा सांप है। अब एक चीज़ ये हो सकता है कि ये सांप हमारे घर के आसपास ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
तो डेफिनेटली घर के आसपास जितनी भी घास, बड़ी बड़ी घास उग रही है उनको एकदम कट कर दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि भैया लोगों को हरियाली पसंद है, तो वो हरियाली से तो बर्ड वगैरह आते हैं, बर्ड अपने नेस्ट बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं, तो सांप भी उनके पीछे आकर्षित हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रीनरी रहेगी तो सांप तो बिल्कुल आएगा। अपने यहाँ जितना हो सके क्लीन रखें तो वो नहीं आएंगे। दरवाजों के नीचे जो गैप होती है उसको फिल करने के लिए कुछ सॉल्यूशन आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्नेक बाइट ना हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? लाइक घर में आप सो रहे हैं, ज़्यादातर ये गाँव वालों को ज़्यादा काम आएगा। जैसे आप गाँव में सोते हैं, लोग ज़मीन पर सोते हैं, तो मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। फिर आप रात में निकल रहे हो तो आप जूते पहन के रखो और हाथ में टॉर्च होना चाहिए, या तो फिर आप लकड़ी बजाते हुए चलिए। और कहीं भी आप आसपास ऐसे इलाके में खेल रहे हो तो जहाँ पर घास वगैरह है, तो लकड़ी वगैरह से हटा करके उसमें हाथ डालना चाहिए, डायरेक्टली हाथ नहीं डालना है, वरना ऐसे केसों में ज़्यादातर स्नेक बाइट हो ही जाता है। किसान लोग भी जो है वो खेत में जो है कई बार नंगे पाँव काम करते हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि एटलीस्ट सेफ्टी शूज पहन के काम करना चाहिए। किसानों के लिए एक अलग से शूज आते हैं। अब सांप चाहे कितने भी जहरीले क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर ये धरती से विलुप्त हो गए तो मानव प्रजाति को भी विलुप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये नेचुरल एक पेस्ट कंट्रोल है जो चूहे वगैरह को कंट्रोल में रखते हैं, और चूहे जो है वो सबसे ज्यादा हमारे अनाज को खराब करते हैं। तो अगर चूहों को ये पॉपुलेशन इनकी कंट्रोल रहेगी तो अपना अनाज काफी हद तक सेफ रहता है।